वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डायट 2 to 20। ओके सो जो 12 का सीरीज स्टार्ट किया था मैंने तो उसको मैं थोड़ा रुक रहा हूँ क्योंकि जो बाकी बचे टॉपिक थे वो अपन अभी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला कि मतलब फिल्टर सर्किट क्या होता है वो वाला पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिल्टर सर्किट मतलब उसका यूज क्या है वो भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसे तुम घर पे तो फिल्टर यूज करते हो ना, क्योंकि पानी तो प्योर फॉर्म में नहीं आता है, इसलिए अपन यहाँ क्या करते हैं, अपन फिल्टर यूज करते हैं। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर मतलब देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये तो टॉपिक मतलब ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस तो रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए अपना जो फार्मूला है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फिल्टर सर्किट। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट क्या है, तीन टाइप के फिल्टर सर्किट होते हैं, एक कैपेसिटिव, दूसरा इंडक्टिव और तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के। ठीक है, तो अपने जो सिलेबस है ना 12th का उसमें सिर्फ कैपेसिटिव फिल्टर दिया है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसका जो फिल्टर है, फिल्टर का वही काम है ना मैंने जो बताया था। ठीक है, तो जब लास्ट को मैंने ये फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया था, उस केस में क्या था, आउटपुट ऐसे आया था। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, ये तो प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एसी कंपोनेंट को डीसी में कन्वर्ट करना है, बट ये तो प्योर फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एसी, एसी मतलब वो एक एसी सोर्स देगा। ठीक है, एसी एसी सोर्स आ गया, उसके बाद देखो यहाँ से मुझे रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी कंपोनेंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो तो प्योर फॉर्म में तो है ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसका आउटपुट जानना है तो आउटपुट कैसे आएगा तुम्हारा, ऐसा। ठीक है, सेम ऐसा आ सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर मतलब एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी पोलैरिटी तो आपको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस और यहाँ पे निगेटिव लगाया। ठीक है, मतलब नीचे वाला पूरा ग्राउंड हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस वीसीसी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया, ओके कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर लगा लिया, कैपेसिटर लगाने के बाद आउटपुट में कुछ वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा फिल्टर लगाया है, एक कैपेसिटिव फिल्टर। ठीक है, तो कैपेसिटर लगाने के बाद जैसे वो आप इस स्विच को ऑन करोगे वो जाएगा सीधा यहाँ पे। ठीक है, ये उसका पीक वोल्टेज, उसको पीक वोल्टेज बोलते हो। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर है ना तो उसका कुछ वोल्टेज होगा, वोल्टेज मतलब हाईएस्ट वोल्टेज, मतलब मैंने इसको मान लिया 35 वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे तुमने इस चीज को ऑन कर दिया तब वो कहा जाएगा वीपी। ठीक है, पीक वोल्टेज किसका, ये कैपेसिटर का। ठीक है, सो पीक वोल्टेज मतलब ये वाला 35 पे जाएगा। ठीक है, जैसे 35 पे चला जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर, ओके, जैसे वो पीक वोल्टेज तक चला जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, चार्ज तो हो गया ना कैपेसिटर, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज वो ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से चार्ज हो जाएगा ऐसे, उसके बाद फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा ऐसे, उसके बाद फिर से चार्ज डिस्चार्ज, उसके बाद चार्ज, उसके बाद डिस्चार्ज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आउटपुट कैसे बन रहा है, आउटपुट वो तुम्हारा ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे अनप्योर फॉर्म में, तो भी अपने को प्योर फॉर्म तो नहीं मिला ना। ठीक है, ये क्या है, उसका आउटपुट। ठीक है, अभी आउटपुट मेजर करने के लिए क्या चाहिए, एक लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ आरियल, ओके, और यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे तुम वोल्टेज मेजर कर सकते हो भी आउट। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फिल्टर सर्किट। ओके, तो इसमें देखो आउटपुट तो ऐसे बन रहा है और यहाँ पे ये तो प्योर फॉर्म में है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप फिर से एक रेगुलेटर यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि रेगुलेटर एडजस्ट कर सकता है कि मतलब कितना वोल्टेज चाहिए अपने को। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया फिल्टर सर्किट। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मतलब कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल के पोस्ट कर सकते हो, या फिर इसके अगर नोट्स चाहिए तो मुझे मेल या फिर टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको उसका पीडीएफ फॉर्म भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन इसके एलईडी। ठीक है, उसके बाद ये फोटो डायोड, ओके, उसके बाद जेनर डायोड और लास्ट में बीजेटी और एक लास्ट में देखेंगे लॉजिक गेट। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आप मतलब 3 या 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसको, और जो बाकी 2 टॉपिक है वो मैं 2 दिन में कवर कर लूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।